सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक पिटीशन पर सुनवाई की है, जिसमें कहा गया था कि सारी दिल्ली शहर के रेलवे ट्रैक्स यानी रेल की पटरियों के आसपास जमा हो रहे कूड़े और प्लास्टिक के ढेरों पर कार्रवाई की जाए। तो जस्टिस अरुण मिश्रा की लीडरशिप वाली बेंच ने इस पर फैसला सुनाया और रेलवे और दिल्ली सरकार से कह दिया कि 3 महीने के अंदर रेलवे ट्रैक्स के आसपास की सारी झुग्गियों को यानी सारे स्लम्स को हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से करीब 2 लाख लोग बेघर हो जाएंगे। यह आंकड़ा सरकारी रिपोर्ट का है, असली नंबर्स इससे काफी ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले लोग समाज के सबसे गरीब तबके के लोग हैं। कोरोना वायरस महामारी के दौरान आए इस फैसले से यहाँ रहने वाले लोग अपने आने वाले कल के लिए बेहद परेशान और बेचैन हैं। हम ये सोचते हैं कि हम लोग जब बहुत दिन से हम लोग झुग्गी में रहते हैं, तो जब झुग्गी में रहते हैं तो कुछ ही हम लोग के तह नोटबंदी में हमने के बच्चे लोग हम लोग सब कोई बिखर गया। खाने पैसा अच्छा ही तो पैसा भजते ही नहीं था कि हम लोग खाना खाएं, फिर भी इतना दिक्कत हम लोग काट कूट के हम लोग फिर भी अपना कुछ उपाय किया। ओकर बाद में हम लोग के बीमारी कोरोना के चलते हम लोग घर से निकले नहीं, कहीं कहीं से खाना आया, बच्चे को भी खाया, हम लोग खाया, कैसे वो अपना दिन बिता लिया, गुजार लिया। ओकरा बाद में जब हमने अब पूरा संकट काट लिया तो सरकार ने अब हम लोग के झुग्गी उजाड़ने के बोल दिया। तब हम लोग जब झुग्गी उजाड़ देंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ये क्या है? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, 70 साल झुग्गी का हो गया, क्या है ये? घर घर बसा हुआ है, मोदी सब कर क्या रहे हैं? हाल क्या है सर, अभी तो दिल्ली सरकार गेहूँ दे रहा है किसी तरह का, अपना आलू भी महंगा हो गया 40 रुपए किलो, प्याज भी महंगा है 40 रुपए किलो, क्या करे? इस हिसाब से लग रहा है कि पटरी पे जाके जान दे दूं मैं यहीं पे। पहली बात तो हम मानते हैं ये ऑर्डर अपने आप में इल्लीगल है, और दूसरी बात हम इस बात को एम्फसाइज करना चाहते हैं कि केंद्र की चुनी हुई सरकार आज झुग्गी वालों को कह रहा है कि ये पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। अब जैसे ही आवाज़ उठी अलग अलग झुग्गियों से, वजीरपुर से आवाज़ उठी, मानसरोवर पार्क, कीर्तिनगर, अलग अलग जगहों से आवाज़ उठी, तब जाके जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुआ वहाँ पे रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा कि हम 4 हफ्ते तक झुग्गियाँ डिमोलिश नहीं करेंगे। अब ये बहुत ही रिडिक्यूलस है, 4 हफ्ते तक अब डिमोलिश नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है? अब 4 हफ्ते के बाद क्या करेंगे? सवाल ये है, पिछले 6 सालों से मोदी सरकार इस देश में चल रहा है, दिल्ली में है सरकार आम आदमी पार्टी का, 6 सालों से दोनों सरकार चल रहा है। पिछले 6 सालों से जो स्लम ड्वेलर्स का राइट है कि उनको झुग्गी के इर्द गिर्द मकान मिलना चाहिए, पक्का मकान, ज़मीन का पट्टा मिलना चाहिए, वो अधिकार सुनिश्चित नहीं है। और बार बार हम लोग देखते हैं कि हर साल 2 साल में झुग्गी के सामने बुलडोज़र आ जाता है, और जो स्लम ड्वेलर्स है वो परपेचुअली हमेशा के लिए इस डर में जीते हैं कि हमारा झुग्गी कभी भी टूट सकता है। हम दिल्ली की 3 झुग्गी बस्तियों में गए और वहाँ के लोगों से बात की जो इन बस्तियों में 2 दशकों से भी ज्यादा समय से रह रहे हैं। इन इलाकों के लोगों में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन है। पहले तो हमारा गेट बंद किया गया, रास्ता बंद किया गया, अब हमारी छत भी छीनी जा रही, तो हम कहाँ जाए? हमें दिया जाए पहले जो हमें मकान कुछ दिया जाए, उसके बाद हमारी झुग्गी तोड़ी जाए, उससे पहले हमारी कोई झुग्गी ना तोड़ी जाए। लॉकडाउन से पहले इतनी मुसीबत है यहाँ पे, वैसे पहले हमारे सर पे रखे कोरोना की वजह से, अब हमारे पास 1 रुपया नहीं है, हम क्या खाएंगे, क्या करेंगे? मजदूरी नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं है हमारे पास। ट्रेन आ रही है, प्रधानमंत्री केजरीवाल बैठक इनसे इन झुग्गियों से बैठा है, वो ऐसे कैसे तोड़ के ले जाएगा? ठीक है ना, ये रेल मेरी तरफ पैसा दिया, ये कागज को नहीं समझता।
यहाँ के ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि उन्हें रेलवे ट्रैक्स के पास रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमेशा जान का खतरा बना रहता है। उन्होंने बताया कि यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है और उनके घर बहुत छोटे। उनका तो ये भी कहना है कि अगर सरकार उन्हें किसी भी जगह फ्लैट या पक्के मकान दे दे तो वो झुग्गियों से जाने को तैयार हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अब ये हमारे रेलवे लाइन से छठी झुग्गी है हमारी। देखिए सर, झुग्गियों लेने झुग्गियों में तो कोई रहना चाहता नहीं है रेलवे लाइन के पास, क्योंकि इसे हमें ही खतरा है। यहाँ पे कितने हादसे एक्सीडेंट हो चुके हैं। वैसे तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये लोग देखो पानी भर भर के रेल क्रॉस करके पानी भर के ला रहे हैं, उस समय डेंजर है। कितने लोग यहाँ पे एक्सीडेंट दुर्घटना से मर गए हैं यहाँ पे पानी भरते समय। कोई नशे में भी चले जाता है इंसान, वो भी कट के मर चुके हैं यहाँ पे लोग। और कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं यहाँ पे आके, जरूरी इस कैंप के कहीं दूर जगह से आए, किसी और कॉलोनी से आए, वो यहाँ पे आके सुसाइड करके। तो इससे हमें भी बहुत दिक्कत है। हम भी नहीं चाहते कि हम ही रेलवे लाइन के पास हम झुग्गी झोपड़ी में रहें। हम भी चाहते हैं कि हमारा अपना मकान हो, गवर्नमेंट हमें दे। और गवर्नमेंट के पास है भी सारी, जैसे राजीव गांधी आवास योजना है, फ्लैट बने हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अभी केजरीवाल सरकार ने 45,000 फ्लैट बनाए है तो सबके पास, सारी गवर्नमेंट के पास, मगर देना कोई नहीं चाहता। आज आइए हमारा देखिए कि हम स्थिति में कौन स्थिति में रहते हैं। यहाँ पर हमारा कहीं भी रहने के साधन दीजिए, हमने बच्चों के पढ़ाने के भी साधन दीजिए, हमारे रोजी रोजगार के लिए साधन दीजिए। हम यहाँ से जाएं, हम ये नहीं माना करें कि हम नहीं जाएंगे यहाँ से, हम जाएंगे। बल्कि हमारा साधन चाहिए, साधन जाएंगे हम अपने आप चले जाएंगे। जाहिर बात है कि लोगों में इस फैसले की वजह से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ गुस्सा है, साथ ही ये लोग मोदी सरकार से भी निराश और नाराज हैं, जो महामारी के दौरान उनकी जिंदगी और उनका घर बचाने में नाकाम साबित हुई है। Thank you.